चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आपको जहाँ पर घंटी का आइकन दिखेगा उसको भी दबा लीजिएगा। दोस्तों ऐसा करने से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और आप हमारे चैनल पर आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं वैष्णो टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जहाँ पर आए नए प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जहाँ पर एयरटेल आइडिया वोडाफोन की तरफ से अब उनके जो भी प्लान थे पहले उनको अब जहाँ पर महंगा कर दिया गया, तो इसी के बारे में मैं आप सभी को जहाँ पर बताने वाला हूँ कि पहले आपको कितने रुपीज़ में प्लान मिलता था और अब आपको क्या दाम में प्लान दिया जा रहा है और क्या क्या बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं, सब कुछ मैं आपको जहाँ पर पूरे प्लान के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की तरफ से उनकी जो पहले प्लान मिलते थे वो अब महंगे कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जहाँ पर एयरटेल की तरफ से जो प्लान महंगे किए गए हैं उनके जहाँ पर दाम के बारे में बताऊंगा कि अब आपको क्या क्या दाम में उनके जो प्लान है वो दिए जा रहे हैं और क्या क्या बेनिफिट के साथ आपको दिए जा रहे हैं। सबसे पहले प्लान की बात करता हूँ, एयरटेल की तरफ से जो आपको दिया जाता है वो आपको पहले मिलता था 19 रुपीस में आपको मिलता था और अब आपको जो प्राइस में दिया जा रहा है वो सेम ही प्राइस है, यानी कि इस प्लान में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। इसमें आपको 2 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है और आप अनलिमिटेड कॉलिंग और आपको 100 SMS दिए जाते हैं और आपको 150 MB डाटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों मैं आप सभी को जहां पर बता दूं, जो आपको अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है इसमें जहां पर FUP लिमिट जहां पर रखी गई है, यानी कि आपको जहां पर मिनट के लिए 6 पैसे चार्जेस देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब जहां पर आपको कॉलिंग के लिए अब जहां पर नई कंडीशन रखी गई है। दूसरे प्लान की बात करता हूं, तो जो आपको दूसरा प्लान पहले मिलता था वो मिलता था पहले आपको 35 रुपीज में, लेकिन अब आपको जो प्लान दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपको 49 रुपीज में आपको मिल जाएगा। बेनिफिट की बात करता हूं, जो आपको बेनिफिट दिए जा रहे हैं वैलिडिटी आपको जहां पर सेम ही दी जा रही है, यानी कि 28 दिनों तक सेम वैलिडिटी आपको मिल जाती है जैसे पहले मिलती थी और आपको टॉक टाइम जहां पर मिल जाएगा 38 रुपीज का टॉक टाइम मिल जाएगा और साथ में आपको 100 MB डाटा भी इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। ये सब आपको बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। तीसरा प्लान आपको पहले मिल जाता था 65 रुपीज में, लेकिन अब इसकी जो प्लान की प्राइस बढ़ा दी गई है अब आपको दिया जा रहा है 79 रुपीज में, वैलिडिटी आपको 28 दिनों तक ही मिलेगी और साथ में आपको जहां पर टॉक टाइम आपको दिया जा रहा है 64 रुपीज का टॉक टाइम मिल जाएगा और आपको 200 MB डाटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। आगे के वाले प्लान की बात करता हूं, तो वो निकल गया था 129 रुपीज में आपको मिलता था। जी हां दोस्तों, 129 रुपीज में आपको प्लान मिलता था, वो अब आपको दिया जा रहा है 148 रुपीज में। इसमें भी आपको 28 दिनों की वैलिडिटी मिल जाएगी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS और आपको 2 GB डाटा इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको यहां पर कॉलिंग के बारे में बता दूं, आपको 6 पैसा पर मिनट के लिए आपसे चार्जेस लिया जाएगा, अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं मिलने वाली, यानी कि FUP लिमिट होगी, तो ये सब आपसे यहां पर चार्जेस लिया जाएगा। उसके बाद आगे वाले प्लान की बात करता हूं, वो निकले क्या था 169 रुपीज में आपको पहले प्लान मिलता था, यानी कि 169 रुपीज में आपको प्लान मिलता था, अब इसकी जो प्राइस होगी वो हो गया 248 रुपीज में आपको ये प्लान मिलने वाला है। वैलिडिटी आपको 28 दिनों की मिलेगी, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे के दिए जाएंगे और 1.5 GB डाटा आपको पर डे दिया जाएगा। ये सब आपको बेनिफिट मिलेंगे और साथ में आगे वाले प्लान जो निकल किया था वो है 199 रुपीज का, इसकी जो प्राइस बढ़ा दी गई है वो भी 248 रुपीज कर दी गई है। वैलिडिटी के साथ साथ जहां पर जो बेनिफिट है वो भी सेम ही बेनिफिट है, लेकिन आपको जहां पर जो अदर बेनिफिट दिए जाते हैं जैसे कि एयरटेल एक्सट्रीम प्रीमियम कंटेंट, ये सब आपको लाइव टीवी एयरटेल का जो भी प्रीमियम होगा वो भी आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, ये सब आपको बेनिफिट मिल रही है इस प्लान में। आगे वाला प्लान निकल के आता है 448 रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, 448 रुपीज में आपको मिल जाएगा, इसका जो नया प्राइस रखा गया है वो 598 रुपीज इसका नया प्राइस रखा गया है। बेनिफिट आपको 84 दिनों की वैलिडिटी मिल जाएगी, अनलिमिटेड कॉलिंग और साथ में आपको 100 SMS पर डे के और आपको 1.5 GB डाटा आपको पर डे दिया जा रहा है। साथ में आपको जहां पर एयरटेल की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन आपको दिए जाते हैं वो सब आपको मिल जाएगा, जैसे कि विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन, आपको 1 साल के लिए जो एयरटेल स्ट्रीमिंग ऐप होता है उसका भी आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ये सब आपको बेनिफिट दिए जाना है। आगे वाला प्लान निकल क्या था 499 रुपीज का, इसमें भी आपको जहां पर जो वैलिडिटी दी जा रही है वो आपको 84 दिनों की दी जा रही है, लेकिन अगर मैं इसके नए प्राइस की बात करता हूं तो नया प्राइस जो रखा गया वो 698 रुपीज में आपको नया प्लान मिल जाएगा। बेनिफिट आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे, 2 GB डाटा पर डे का दिया जा रहा है, ये बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। आगे वाला प्लान निकल क्या था 998 रुपीज का, इसकी जो नई प्राइस रखी गई है वो है 1498 रुपीज इसकी नई प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको मिलता था 998 रुपीज में, लेकिन अब नया प्राइस रखा गया है 1498 रुपीज, इसकी जो वैलिडिटी है वो पूरे 1 साल तक, यानी कि 365 दिनों तक आपको इस प्लान की वैलिडिटी दी जा रही है, अनलिमिटेड कॉलिंग, साथ में आपको जहां पर
3600 SMS इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं और 24 GB डाटा आपको जहाँ पे दिया जाएगा इस्तेमाल करने के लिए। फ्री में एलोट्यून का सब्सक्रिप्शन, विंक म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन, एयरटेल स्ट्रीमिंग ऐप का सब्सक्रिप्शन, नोटन मोबाइल वायरस के लिए आपको जो सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिए जाएंगे, ये सब बेनिफिट आपको दिया जा रहा है। उसके बाद जो आपको लास्ट वाला प्लान मिलता था एक साल के लिए 1699 रुपीस का, उसकी भी प्राइस जहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसकी जो प्राइस अब हुई है वो है 2398 रुपीस इसकी प्राइस हो चुकी है। बेनिफिट आपको सेम ही दिए जा रहे हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और पर डे के लिए आपको 100 SMS और आपको 1.5 GB डाटा आपको पर डे दिया जाएगा और साथ में सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। ये सब प्लान आपको दोस्तों जहाँ पर दिया जा रहा है एयरटेल की तरफ से, जो कि पहले आपको पहले कम दाम में दिए जाते थे, लेकिन अब इसकी जो प्राइस है वो बढ़ा दी गई है। बेनिफिट ऑलमोस्ट सेम ही दिए जा रहे हैं, जैसे आपको पहले बेनिफिट मिलते थे वही सेम मिल रहे हैं डाटा को लेकर। और रही बात कॉलिंग की, पहले आपको अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती थी, लेकिन अब आपको एयरटेल में भी पर मिनट के लिए 6 पैसे का चार्जेस देना पड़ेगा, जैसे जियो में होता था। अब आपको जहाँ पर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया में भी ये सब जहाँ पर देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ पर जो आपको एयरटेल की तरफ से जो अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है वो आपको अनलिमिटेड ही होगी, लेकिन कुछ जहाँ पर कुछ समय तक आपको अनलिमिटेड होगी, यानी कि FUP लिमिट लगाई होगी, जैसे कि आप एक दिन में 300 मिनट तक आप बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जैसा मिनट इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद आपको चार्जेस देना पड़ेगा, पर मिनट के हिसाब से 6 पैसे का चार्जेस देना पड़ेगा। जहाँ पर कुछ लिमिट सेट कर रखी होगी उन्होंने उनकी तरफ से पर डे के हिसाब से, उसके बाद आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ऐसी अनलिमिटेड ही कॉलिंग रहेगी, ये सब आपको प्लान एयरटेल की तरफ से दिए जा रहे हैं। आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये प्लान कैसे लगे जो आपको एयरटेल की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बस यही था, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।